केजरीवाल के जीवन का सबसे बड़ा दाग क्या है, जो भ्रष्टाचार से भी ज्यादा गहरा है, जो घोर अनैतिक है। यह ऐसा दाग है जिसका पहली बार खुलासा अन्ना हजारे ने किया है और यह खुलासा उस खत में किया है जो उन्होंने पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखा है। ये है वो खत और केजरीवाल के जीवन का ये वो दाग है जो रह रहकर उन्हें सताता रहता है। इस दाग के बारे में मैं अभी आपको पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको उनका एक ऐसा चेहरा दिखाता हूं जो अन्ना के नाम पर जनता के बीच क्रांति कर रहे हैं। जरा देखिए, अरविंद केजरीवाल रहे या ना रहे, मनीष सिसोदिया रहे या ना रहे, इस देश में हजारों अरविंद केजरीवाल पैदा हो जाएंगे, लेकिन अन्ना जैसे लोग कई युगों के बाद एक बार जन्म लेते हैं। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। जो युगों युगों में जन्म लेते हैं, उस अन्ना ने आखिरकार क्यों मजबूर होकर केजरीवाल को खत लिखा, ये तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको ये एक बयान सुनाता हूं जो उन्होंने बड़े ही दुख के साथ, बड़ी ही मजबूरी में केजरीवाल के लिए कहा था, ये भी सुन लीजिए। पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा, चुनाव के टाइम पर मैं प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगा, इतना ही नहीं, मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना। जो नीति सिर्फ सत्ता और पैसा सिखाती है, समाज और देश तो बज में। अन्ना के पत्र के गहरे राज का आज मैं इस वीडियो में खुलासा करूंगा। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, जो बात उन्होंने चिट्ठी में लिखी है वो मैं सबूतों के साथ आपके सामने रखने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरीश चंद्र बर्णवाल। अब मैं सीधे सीधे अन्ना के उस खत पर आता हूं और खत के जरिए अपनी बात आपके सामने रखता हूं। ये जो आप खत देख रहे हैं ना, दो पन्ने का खत, ये चिट्ठी अन्ना की बेबसी को बयान करता है, उनके दर्द को बयान करता है, उनके दुख को बयान करता है। अब एक एक बात, जब भी आप केजरीवाल को देखिएगा तो याद रखिएगा, क्योंकि केजरीवाल जो है ना वो अन्ना आंदोलन की ही उपज है, इसलिए ये चिट्ठी आपके लिए हमारे लिए बड़े काम की है। और आज जब पूरा का पूरा मीडिया केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है और वो खुद घुमा रहे हैं, ऐसे में ये चिट्ठी बहुत बड़ा खुलासा करती है। जरा आप देखिए इसके पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं आपको खत लिख रहा हूं। अब सोचिए, मुख्यमंत्री बने हुए 7-8 साल हो गए, केजरीवाल ने किस तरह से अन्ना को भुला दिया। खैर आगे देखिए, पिछले कई दिनों से दिल्ली राज्य सरकार की शराब नीति के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो पढ़कर बड़ा दुख होता है। गांधी जी के गांव की ओर चलो इस विचारों से प्रेरित होकर मैंने अपना पूरा जीवन गांव, समाज और देश के लिए समर्पित किया है। पिछले 47 सालों से ग्राम विकास के लिए काम और भ्रष्टाचार के विरोध में जन आंदोलन कर रहा हूं। अब जरा सोचिए, कभी अन्ना को इस तरीके से अपना बैकग्राउंड बताते हुए सुना है? अन्ना को जो करना था वो कर दिया उन्होंने, कर भी रहे हैं, लेकिन कभी ये बात बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि उन्होंने क्या काम किया, लेकिन आज उन्हें बताना पड़ रहा है। और आप रिपोर्ट में देखिए कि अन्ना हजारे के गांव रालेगंज सिद्धि जो है मीडिया के लिए भी एक आइडियल गांव है, गांधी जी के विचारों पर समर्पित गांव है। आज भी इस गांव में जब लोग जाते हैं ना तो अचरज करते हैं कि ऐसा भी कोई गाँव हो सकता है। और अन्ना ने जिस प्रकार से गाँव का विकास किया अपने गाँव का, खुद अन्ना भी दुनिया की नज़र में एक आदर्श रूप में नज़र आए। और मैं आपको एक एक करके सारी रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले चिट्ठी और उसके सबूत साथ के साथ, क्योंकि आज अन्ना को इस बात का जिक्र करना पड़ रहा है। अब आप दूसरे पैराग्राफ में आइए, इसमें वो सीधे सीधे शराब की बात पे आते हैं। अब देखिए वो क्या लिखते हैं कि अपने गाँव में कैसे काम किया। महाराष्ट्र में 35 जिलों में 252 तहसील में संगठन बनाया, भ्रष्टाचार के विरोध में तथा व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगातार आंदोलन किए, 10 कानून बन गए, शराब की भट्टियां बंद की। अब आगे केजरीवाल के बारे में लिख रहे हैं, आप लोकपाल आंदोलन के कारण हमारे साथ जुड़ गए,
तब से आप और मनीष सिसोदिया कई बार, मनीष सिसोदिया वही शराब मंत्री के बारे में बोल रहे हैं, कई बार रालीगढ़ सिद्धि गांव आ चुके हैं। गांव वालों ने किया हुआ काम आपने देखा है। पिछले 35 साल से गांव में शराब बीड़ी सिगरेट बिक्री के लिए नहीं है, यह देखकर आप प्रेरित हुए थे। आपने इस बात की प्रशंसा की थी और इस बात को लेकर के मैंने रिपोर्ट खंगाली। रिपोर्ट में आप देखिए किस शराब के खिलाफ किस प्रकार की सख्ती अन्ना हजारे ने दिखाई है। कुछ लोगों ने आलोचना भी की, लेकिन आज ये गांव आदर्श बन गया है। और इसी वजह से दोस्तों अन्ना का ये जो गांव है ना, आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। आप देखिए रिपोर्ट में जाहिर है अन्ना को ये पता था कि अगर परिवेश बदलना है ना तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप मजबूत होना चाहिए। बल्कि लीडरशिप कैसा होना चाहिए इस बारे में खुद अन्ना भी बताते हैं। अब पुराना बयान एक छोटा सा आपको सुनाना जरूरी है, क्योंकि ये केजरीवाल के लिए जरूरी है, उन्हीं के बारे में ये सारी बातें आ रही हैं। आप देखिए लीडरशिप कौन, लीडरशिप शुद्ध आचार शुद्ध विचार निष्कलंक जीवन त्याग, ऐसे लीडरशिप। और इसके बाद अब आप तीसरे पैराग्राफ में आइए। अन्ना हजारे ने केजरीवाल को पहली बार खत लिख रहे हैं। जो व्यक्ति उनके गांव कई बार जा चुका है उसे आज खत लिखना पड़ रहा है, चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, उनकी किताब की याद दिलाई है। और ये किताब है स्वराज, और इस किताब की प्रस्तावना जो है ना वो अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे से लिखवाई है। और आपके लिए दोस्तों ये वीडियो जब बना रहा हूँ ना तो ये किताब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये किताब मैंने खरीदी है ये समझने के लिए कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ने किताब लिखी है और उसमें अन्ना हजारे जिसे प्रस्तावना लिखवाई है। आप देखकर हैरान हो जाएंगे। किताब होती है, किताब में लेखक होता है, प्रकाशक होता है, लेकिन किसी किताब में बिल्कुल कवर पेज पर इतना मोटा मोटा पूरा स्पेस, जानते हैं ये क्या है? देख लीजिए, अन्ना हजारे के कोट हैं इसमें, यानी केजरीवाल को इस किताब को बेचने के लिए भी अन्ना हजारे का सहारा लेना पड़ता है। और इस पुस्तक में आप देखिए केजरीवाल जी का तो छोटा सा है परिचय, और इस किताब में जब आप आगे जाएंगे तो जो फॉरवर्ड लिखा गया है प्रस्तावना वो तीन पन्ने का है। आप देख लीजिए, एक पन्ना, दूसरा और तीसरा पन्ना इसी चीज की दुहाई दे रहे हैं। अब आप पैराग्राफ में आइए, आप देखिए केजरीवाल ने इस किताब में क्या लिखा है। राजनीति में जाने से पहले, अन्ना हजारे लिखते हैं, आपने स्वराज नाम से एक किताब लिखी थी, इस किताब की प्रस्तावना आपने मुझसे लिखवाई थी और इस किताब में आपने बड़ी बड़ी बातें की थी। अब वो बड़ी बड़ी बातें क्या है इसका जिक्र अन्ना करते हैं। गांव में शराब की लत समस्या, वर्तमान समय में शराब की दुकानों के लिए राजनेताओं की सिफारिश पर अधिकारियों द्वारा लाइसेंस दे दिया जाता है। अपनी बात ही लिख रहे हैं, ये प्रायः रिश्वत लेकर लाइसेंस देते हैं और तमाम बातें इस तरीके से इन्होंने लिखी है। बड़ा सा पैराग्राफ है कि विडंबना यह है कि जो लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं उन्हें इस बात के लिए कोई नहीं पूछता कि शराब की दुकान खुलनी चाहिए या नहीं, उन पर थोप दिया जाता है, जैसे आज केजरीवाल ने थोप दिया है दिल्ली के लोगों पर। और इसका सुझाव वो भी देख लीजिए, केजरीवाल ने ही लिखा है जिसकी प्रस्तावना अन्ना हजारे से लिखवाई थी। सुझाव, शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे दे और ग्राम सभा की संबंधित बैठक में वहां उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। ग्राम सभा में उपस्थित महिलाएं साधारण बहुमत से मौजूदा शराब की दुकानों का लाइसेंस भी रद्द करा सकें। यह अरविंद केजरीवाल की किताब है, इसमें लिखा हुआ है। आप देखिए आज कितना बड़ा दोगलापन नजर आता है। और इसी बात को अन्ना हजारे बड़े दुख के साथ रेखांकित करते हैं। और मैं आपको किताब दिखा रहा हूं, मैंने ये भी पढ़ दिया, चिट्ठी के हिस्से भी पढ़ दिए, अब मैंने आपके लिए एक वीडियो भी निकाल करके लाया हूं। और ये वही वादा है जो केजरीवाल ने अन्ना के सामने किया, किताब लिखी और ढोल सभा में ढोल बजा बजा कर जनसभा में भी बोला। आप एक छोटा सा हिस्सा आप जरा सुन लीजिए। एक महिला ने बताया पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में, दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं।
तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। अब अन्ना ने शराब को लेकर इतनी सारी बातें क्यों याद दिलाई, ये भी समझना पड़ेगा। केजरीवाल जी तो बड़ी बड़ी बातें करते थे और यही कह करके उन्होंने अन्ना को ठगने की कोशिश की। अब आप देखिए, दिल्ली सरकार एक ऐसी आबकारी नीति लेकर आई है, यही केजरीवाल सरकार, जिसमें दिल्ली में दारू पीने के लिए जो लोगों की उम्र है ना, वो कम कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए, अब 21 साल के युवा 24 घंटे पिएंगे महंगे जाम। क्या स्त्रियों से पूछा उन्होंने, क्या महिलाओं से पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि ये भ्रष्ट हैं, ये खुद लिख चुके हैं अपनी किताब में। और अब मैं आपको इनके जो सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार शराब मंत्री है ना, जिन पर छापे लगातार पड़ रहे हैं, अब इनका एक बयान सुनिए। ये भी तो केजरीवाल जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, सुन लीजिए क्या कहते हैं। केवल अगर अकेले बच्चे आते हैं तो 21 साल से कम के बच्चे को, जो भी एज लिमिट है उससे कम के बच्चे को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। एक तरफ अन्ना गांव में शराब हटाने की मुहिम चला रहे थे और उसी बात को आधार बनाकर, उसी का सहारा लेकर ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो जानते हैं क्या करते हैं, शराब के लिए दिल्ली में वीवीआईपी की व्यवस्था करते हैं। आप खुद सुनिए, पहले कहां 150 स्क्वायर फीट में शराब की दुकानें थी, इन्होंने 500 स्क्वायर फीट कर दिया। आप सुनिए, दिल्ली में सरकार की शराब की दुकानें विड्रॉ कर ली जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो दुकानें हैं वो 150 गज में है, 150 स्क्वायर फीट की दुकानें, छोटी छोटी दुकानें। अब दुकान एक तो गवर्नमेंट की दुकान नहीं होगी और किसी भी लिकर शॉप के लिए कम से कम 500 स्क्वायर फीट की दुकान होना जरूरी होगा। अब इन परिस्थितियों में आप अन्ना की ये जो चिट्ठी है ना, उस पत्र के निचले हिस्से में आइए, देखिए क्या लिखा है। इसी स्वराज पुस्तक की बात कर रहे हैं, आपने स्वराज नाम की इस पुस्तक में कितनी आदर्श बातें लिखी थी, तब आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली राज्य में आपकी सरकार ने नई शराब नीति बनाई, ऐसा लगता है जिससे शराब की बिक्री और शराब पीने को बढ़ावा मिल सकता है, गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती हैं, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है, यह बात जनता के हित में नहीं है, फिर भी आपने ऐसी शराब नीति लाने का निर्णय लिया है, इससे ऐसा लगता है जैसे जिस प्रकार शराब की नशा होती है उसी प्रकार सत्ता की भी नशा होती है, आप भी ऐसी सत्ता की नशा में डूब गए हो ऐसा लगता है। थोड़ी भाषा की कुछ अशुद्धियां हैं मुझे लगता है, लेकिन अब अन्ना तो महाराष्ट्र के हैं, मराठी भाषा मातृभाषा है, लेकिन भावनाओं को जिस प्रकार से उन्होंने प्रकट किया वो समझना बहुत ज़रूरी है। केजरीवाल जी सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं और ये बात वो खुल करके लिख रहे हैं, जिसके सहारे, मैंने आपको शुरू में एक केजरीवाल जी का बयान सुनाया था ना, युगों युगों में एक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो अन्ना हजारे होता है, उस युगों युगों के महापुरुष को किस प्रकार से केजरीवाल ने ठगा है ये इस पत्र से पता चलता है। अन्ना हजारे को आज इस बात से दुख है कि ग्राम स्वराज की बात करने वाले केजरीवाल की असलियत अगर उन्हें उस समय पता होती तो उन्हें अपने पास फटकने भी नहीं देते, बैठने भी नहीं देते। को एक उनका छोटा सा बयान सुनाता हूं आपको, पुराना बयान है, जरा सुनिए। अगर मेरा फायदा उठाने के लिए मेरे पास होगा आए ऐसे मुझे पहले पता होता, मुझे क्या पता था कि ये पार्टी निकालेंगे और मेरे नाम का दुरुपयोग आज जो बोल रहे हैं आप, अगर ऐसे मुझे पता होता तो मैं चार कदम दूर रखना। और याद रखिए उस आंदोलन के समय केजरीवाल अपने को सफल करने के लिए, लोगों के बीच क्रांति करने के लिए सिर्फ अन्ना की दुहाई देते थे, उनके ग्राम स्वराज और सिद्धांतों पर चलने का विश्वास दिलाते थे और क्या कहते थे ये भी आज सुनना चाहिए, छोटा हिस्सा मैं उसका भी सुना रहा हूँ, आप सुनिए। अगर अन्ना फ्लॉप हो गए तो देश फ्लॉप हो जाएगा, अगला मौका हमें 30 साल तक मिलने नहीं वाला। जो जो ताकतें अन्ना को फ्लॉप करने के लिए लगी हुई है
उन ताकतों से भी मैं कहना चाह रहा हूं कि ये देश आपका भी है। अन्ना को फ्लॉप करने की कोशिश मत कीजिए। देख रहे हैं ना क्या कह रहे हैं, अन्ना को फ्लॉप मत कीजिए। अन्ना के नाम पे ही सारी चीजें हो रही थी और ये केजरीवाल हैं, लेकिन उनमें सत्ता की ललक ऐसी थी कि उन्होंने सारे सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। अनशन खत्म और पार्टी शुरू। पार्टी आम आदमी पार्टी, और पार्टी वैसे भी कह लीजिए शराब की ही पार्टी चल रही है आज तो हर जगह दिल्ली में, आप देख ही रहे हैं। और मैं आपको अब उनकी चिट्ठी का, अन्ना की चिट्ठी का नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाता हूं। आप देखिए क्या लिखा है। 10 साल पहले 18 सितंबर 2012 को दिल्ली में टीम अन्ना के सभी सदस्यों की मीटिंग हुई थी। उस वक्त आपने राजनीतिक रास्ता अपनाने की बात कही थी, रखी थी, लेकिन आप भूल गए कि राजनीतिक पार्टी बनाना यह हमारे आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। कितनी साफ गोई से ये बात अन्ना जी कह रहे हैं। और आगे देखिए, काफी बड़ा है पत्र, मैं एक हिस्सा और पढ़ता हूं। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को देखकर अब पता चल रहा है कि एक ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान करके जो पार्टी बन गई वह भी बाकी पार्टियों के रास्ते पर चलने लगी, यह बहुत ही दुख की बात है। इसमें केजरीवाल, सिसोदिया, तमाम लोगों के बारे में कह रहे हैं। ये इस चिट्ठी की सबसे बड़ी बात है। इस चिट्ठी को मेनस्ट्रीम मीडिया वालों ने दिखाया नहीं, लेकिन याद रखिए जिस समय आंदोलन चल रहा था ना, तो कैसी सेटिंग थी, याद रखिए कि इसी केजरीवाल के कहने पर 2400 घंटे ये चैनल अन्ना अन्ना करते थे। आज अन्ना ने पत्र लिखा तो एक चैनल ने भी ठीक से नहीं दिखाया। अन्ना ने जो बातें पत्र में लिखी हैं वो तो तब भी बात उठी थी, उस समय केजरीवाल ने उन्हें भरोसा दिया था, सबके सामने दिया था, और जनता के सामने अन्ना का नाम ले लेकर बार बार ये कहा था कि हमारी पार्टी अलग होगी। कैसे होगी, ये बयान मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं, आप जरा एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। इस पार्टी का ढांचा दूसरी पार्टियों की तरह नहीं होगा। इस पार्टी का ढांचा क्या होना चाहिए, इस आंदोलन का ढांचा क्या होना चाहिए, ये भी सभी सुझाव आप लोग देंगे। जो आप लोग कहेंगे, जो जनता कहेगी, वही ढांचा इस पूरे आंदोलन का होगा। देख लिया ना, जनता के नाम पर सारी चीजें चल रही थी। शराब खोलेंगे जनता से पूछ के, सत्ता भी पाई थी जनता से पूछ करके, और अब जनता से कुछ नहीं पूछते, खुद ही तय कर लेते हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में जब अन्ना पत्र के अगले हिस्से में लोकपाल की याद दिलाते हैं तो वो पढ़ना जरूरी है। देखिए क्या लिखा है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए ऐतिहासिक लोकपाल और लोकायुक्त आंदोलन हुआ। लाखों की संख्या में लोग रास्ते पर उतर आए। उस वक्त केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की जरूरत के बारे में आप मंच से बड़े भाषण देते थे, आदर्श राजनीति और आदर्श व्यवस्था के बारे में अपने विचार रखते थे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोकपाल और लोकायुक्त कानून को भूल गए। इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा में आपने एक सशक्त लोकायुक्त कानून बनाने तक की कोशिश नहीं की, और अब तो आपकी सरकार ने लोगों का जीवन बर्बाद करने वाली, महिलाओं को प्रभावित करने वाली शराब नीति बनाई है। इससे स्पष्ट होता है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। जनता को धोखा देने वाला ये जो बयान है ना, बड़ा ऐतिहासिक बयान है। आप सोचिए, जिस जो व्यक्ति आज इस देश में एक आदर्श है सबके लिए, पूरी दुनिया में, उस व्यक्ति के को धोखा देने में केजरीवाल आगे हैं। और ये दाग ऐसा है ना, जो जीवन भर नहीं छुड़ा सकते। अभी जो अन्ना हजारे ने लिखा है ना, वो बयान मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं दोस्तों। इसीलिए मैं इस जो खबर है, न्यूज़ है, इसको आपके सामने एक एक दस्तावेज और एक एक बयान आपके लिए निकालना चाहता था। आप सुनिए लोकपाल के बारे में क्या कहा है, आप जरा सुनिए। अगर सरकार बनती है तो सबसे पहला कमिटमेंट लोकपाल का है। लोकपाल 15 दिन के अंदर बनेगा, ये हमने पहले भी कहा था और अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो विधानसभा की विशेष बैठक बुला के 15 दिन के अंदर दिल्ली का लोकपाल कानून पास किया जाएगा। देख रहे हैं ना क्या कहा, मतलब सरकार बनते ही 15 दिनों के अंदर लोकपाल बना देंगे। है लोकपाल दिल्ली में, कुछ भी है, कोई व्यवस्था है, बल्कि उल्टा, अगर इनके खिलाफ आरोप है तो ये क्लीन चिट देते हैं। इनके पास सीबीआई आती है तो ये बोलते हैं क्लीन चिट हो गया, फिर इनके लॉकर की जांच होती है, क्लीन चिट दे देते हैं। सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया और दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार व्यक्ति बता दे, आज भी जेल में है।
ये इतना भ्रष्ट आदमी है। और इसी बात को अन्ना हजारे देखकर दुखी होते हैं, वो मतलब उनकी पीड़ा को महसूस करना भी संभव नहीं है दोस्तों। आज इस उम्र में जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया समाज के लिए, उसको कितना दुख होता होगा कि उनके नाम पर एक आंदोलन खड़ा करके ये सारे केजरीवाल गैंग ने किस प्रकार से देश को धोखा दिया और दे रहे हैं। अब मैं उनके पत्र की आखिरी चीजें दिखाता हूं, आप देखिए इसमें केजरीवाल के चरित्र को उजागर किया है और ये बताने की कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कलंक है। मैं यह पत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि हमने पहले राणेगल सिद्धि गांव में शराब को बंद किया, फिर कई बार महाराष्ट्र में एक अच्छी शराब की नीति बने इसलिए आंदोलन किया। अब ये शराब के बारे में वही सारी बातें लिख रहे हैं और आखिर में लिखते हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा भी इस प्रकार की नीति की उम्मीद थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लोग भी बाकी पार्टियों की तरह पैसे पैसा से सत्ता और सत्ता से पैसा इस दुष्चक्र में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़े आंदोलन से पैदा हुई राजनीतिक पार्टी को यह बात शोभा नहीं देती। ये है उनके पत्र की आखिरी पंक्ति। अब उस आंदोलन को याद करके वो मन महसूस करके रह जाते हैं, कितनी पीड़ा है आप ये समझिए। और इन्हीं परिस्थितियों में एक बार फिर मैं ये दिखाना चाहता हूँ एक बयान से कि केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये देख लीजिए। हमारा मकसद सत्ता लेना नहीं है, हमारा मकसद है कि संसद के अंदर जाकर जो सत्ता केंद्रित हो गई है उस सत्ता को इस देश के गांव-गांव, शहर-शहर और हर व्यक्ति के पास पहुंचाना। साथियों, एक समय ऐसा था जब अन्ना को आज का गांधी कहा जाने लगा था। उन्होंने देश के लिए मतलब जिस प्रकार का आंदोलन खड़ा किया, वो एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर उभरे। और सिर्फ उम्मीद बनकर नहीं उभरे, महाराष्ट्र के सामाजिक परिवेश में जिस प्रकार से उन्होंने बदलाव किया और अपने जीवन को समर्पित करके किया, ये पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श उदाहरण की तरह है, प्रेरणा की तरह है। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने मीठी मीठी बातों को कहकर, मतलब जो उनके हिसाब से चल करके और उनके साथ छल करने का काम किया, उसे देखकर आज अन्ना हजारे इस उम्र में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और याद रखिए, केजरीवाल ने उनके जीवन को भी दागदार बनाने का, उस पर दाग लगाने का काम किया है। ये आज हम सबको बड़ी ही गहराई से मतलब सोचने की ज़रूरत है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये परिस्थिति कैसे पैदा हो गई, कैसे केजरीवाल ने हम सबको छल करके फ़ायदा उठा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आपके लिए ये जो वीडियो तैयार करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। अगर आपका प्यार मिले तो मेरा उत्साह और बढ़ जाएगा। और आखिर में आप मेरे इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाऊं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।